बाकी सब स्वार्थी हैं, गर्जी होते हैं, चाहे ये गर्ज जायज है कि मालिक को पाना है, लेकिन कर तो वो अपनी आत्मा के लिए ही रहा है, तो आपको इस पे क्या एहसान? आप ऐसी भ्रमित हो जाते पूछ उठा के पीछे 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 पीछे, अच्छा बड़ा भक्त है, भक्त तेरे को क्या प्याज दे देगा, कुछ भी नहीं देगा, मिर्ची देगा ऐसी जो आंखों में पड़े, और धोखा दे के तेरे को लूट के ले जाएगा। कोई भक्त है तो अपनी जगह पे, आपने क्या लेना है उससे, आप अपनी भक्ति करो। भक्त भक्त किसी को कुछ नहीं दे सकता, इस कलयुग में संत पीर फकीर ही दे सकता है, वो भी मालिक के हुक्म से, सतगुरु उसको देता है, मालिक वो आगे दे देता है, बाकी किसी में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो दूसरों का भला करे। हाँ, मानवता का भला आप बाहरी तौर पे, जहरा तौर पे करें, वचनों से भला बड़ा मुश्किल है, ठीक है भला मांगते रहो, लेकिन इस चक्कर में मत पड़ जाना कहीं हाथ जोड़ते रहो और आपकी करी कराई भक्ति चली जाए, क्योंकि आप समझ लो कि यही सब कुछ है और वो आपको चूना लगा दे, तो इसलिए इन चक्रों में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, पाखंड में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। सतगुरु जहर होता है, शरेआम जहर होता है, वो बता देता है मैं इस बाड़ी में आया हूँ और सारी दुनिया को बताता है। सच्चे मुर्शिदे कामिल ने शरेआम कहा, हम जवानों के आएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा सतगुरु कहीं मिलता नहीं जो ये कहे कि मैं ही आऊँगा। आज तक हमने तो इतिहास में पढ़ा नहीं, सभी धर्मों को पढ़ा है सच्चे दाता के रहमो करम से, कहीं भी इतिहास में ऐसा दिखने को नहीं मिला कि ये लिखा हो कि गुरु कह रहा हो कि मैं आऊँगा, तो ये तो सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने ऐसा किया, कर रहे हैं करते रहेंगे, फिर भी झांसी में आ जाओ, फिर भी किसी के पीछे पीछे घूमते फिरो, नहीं जी ये तो फलां है, ये तो बड़ा बड़ा है, बड़ा खाक है, अगर बड़ा होता तो सतगुरु उसे ना जहर कर देता, क्यों नहीं किया सतगुरु ने उसके अंदर अपने आप को, आपका दिमाग हिला हुआ है, क्यों नहीं ये समझते आप? तो इसी से पता चल जाता है कि सतगुरु जिसको चाहता है और जो उसके काबिल होता है या जिसे काबिल बना लेता है वो उसकी मर्जी होती है, तो कोई उसे गाइड नहीं कर सकता। तो भाई अपनी भक्ति, अपना दया में रहमत जो है कहीं गवाना बैठना, ऐसा पाखंडियों के पीछे लग के, ढोंगियों के पीछे लग के बच के रहो, ये कलियुग का समय है, सेवा सुमरन में ध्यान दो ताकि मालिक की खुशियाँ आप हासिल कर सकें। इंसान दुनिया में बहुत कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से दिलो दिमाग पे गलत नेगेटिव असर होता है, आंखों से वही मंजर अच्छा लगता है जिसमें धन दौलत जमीन जायदाद या अपनी कोई इच्छा पूर्ति होती हो, स्वार्थ सिद्धि होती हो, वही दृश्य वही मंजर बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इन आँखों से जिसे देखना था उसकी तरफ ध्यान नहीं, इन आँखों से गुरु जो दिखाए उसे देखो, और गुरु दिखाता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, जो दोनों जहाँ का सच्चा साथी है, जिसमें बेइंतहा शक्ति है, जिसमें रोशनी का कोई शुमार नहीं, कहने सुनने से परे है, लिखने बोलने से परे है,
बेशुमार रोशनी है, उसकी धुन अनहदनाद बड़ी ही मीठी है। ऐसी मीठी आवाज जो दिलो दिमाग को आराम पहुंचाए, सकुन पहुंचाए, तो संत गुरु उस रोशनी, उस आवाज को देखने सुनने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप मालिक की याद में, उसकी भक्ति इबादत में अपने आप को लगाओ। इन आँखों से आप अपने मालिक, अपने दाता रहबर को निहारो। पीर फकीर के सत्संग में आओ, ध्यान दो वो जो कहते हैं। आँखों से मतलब यहाँ ध्यान देना भी है कि आप ध्यान क्यों नहीं देते गुरु पीर फकीर के वचनों पे, उर्द ध्यान क्यों नहीं लगाते, क्यों गुमराह होते हो, क्यों गलत बातें करते हो। जिस दिन भी आपने ध्यान जमाना शुरू कर दिया, गुरु पीर फकीर की बातों पे अमल करना शुरू कर दिया, समझो आपके लिए वो दिन खुशियों की करबट लाने वाला है। समझो उस दिन से आपके कायाकल्प होने शुरू हो जाती है, आपके पाप कर्म साफ होने लगते हैं और फिर से सत्संग में, मालिक की याद में दिलो दिमाग आराम पाने लगता है। गुरु पीर फकीर हमेशा वचन करते हैं जिसमें सभी का भला हो। वो अपने निजी स्वार्थ या गरज के लिए कभी कोई वचन नहीं करते, पर देखा है हमने बहुत ऐसे लोग हैं जो मालिक की याद में समय लगाते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो मालिक का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अलग अलग भावना के लोग, अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए लोग, रूढ़िवादी विचारों में, पाखंडवाद में खोए हुए लोग, तो ये रूढ़िवादी विचार, ये पाखंडवाद जब तक आदमी छोड़ता नहीं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब की दया में रहमत के काबिल नहीं बन सकता। उसका रहमो करम, उसकी दया में रहमत होती है, पर अगर आदमी वचनों पे अमल करना सीखे तो ध्यान उस मालिक में लगाओ, ध्यान उसकी याद में लगाओ, ताकि उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बने, आपके गम दुख दर्द चिंता दूर हो जाएं। कोई भी आपको बीमारी है, कैसी भी आपको परेशानी है, अगर परमात्मा का, मालिक का सच्चे दिल से नाम लो तो वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए गुरु संत पीर फकीर पुकार पुकार के कहते हैं कि भाई अमल करो, ध्यान मालिक की तरफ लगाओ, गंदगी की तरफ से ध्यान हटाओ, जो बुरी चीज है उसकी तरफ ध्यान ना दो, क्योंकि बुरी बातें दिलो दिमाग को झकझोर के रख देती हैं और नेक अच्छे पुरुषों का संग सदगुरु मालिक से जोड़ देता है। इसलिए भले पुरुषों का संग करो, भली सोहबत करो, और इन आँखों से देखना है तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का नज़ारा देखो, देखना है तो गुरु पीर फकीर जो दिखाए वो देखो। और गुरु दिखाते हैं नेकी, कोई दीन दुखिया है उसकी मदद करो, और इन आँखों से आप दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। मरने के बाद अपनी आंखें दान करो, इन आंखों का पटाखा बोल जाएगा, आगे जाने वाली नहीं है, आग में जला देना, आपने जलते हुए देखा है, क्या बचता है, कुछ भी तो नहीं। तो क्यों नहीं मरने के बाद आप ये फार्म भरते लिखे, पहले क्यों नहीं लिख देते कि मरणोपरांत मेरी आंखें दान की जाएं, और वो जब तक किसी की आंखें लगी रहेंगी उसके दिलो दिमाग से दुआएं निकलती रहेंगी, हे मालिक जिसने भी मुझे रोशनी दी है उसकी औलाद को, उसके परिवार को रोशनी दे। और आत्मा से निकली आवाज मालिक जरूर सुनता है। तो आप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ बनाते हैं, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो कोई दुआ नहीं रह जाती। पर अगर आप अपनी आंखें दान कर जाते हैं तो हमेशा के लिए आपके बच्चों पर आशीर्वाद बना रहता है।
इसलिए इसमें क्यों किंतु ना किया करो। सभी की सभी सासंगत समझदार भाई बहनें सारे समझदार हैं आप, तो ये आंखें दान का फार्म जरूर भरा करें, इससे बहुत फायदा है। कितनी दुनिया को निगाह आएगी, और जब आपकी जय जयकार होगी, आपका नाम बोला जाएगा, तो वो हाजिरी दरगाह में कबूल होती है, मंजूर होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कहीं आप सोचो कि बाद में मेरा शरीर कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, नहीं। वो तो आंखें तो वैसे पलक बंद कर देते हैं जब आदमी शरीर छोड़ता है, तो उसमें रोई भर के बंद कर देंगे। किसी ने कोई ऐसे उखाड़ के थोड़ी देखना आंख कैसी है, कि तेरी कौन सा शादी हो रही है, जलाने जा रहे हैं, पता ही है। कहीं ये भ्रम होता है, मैं पता नहीं कैसा लगूंगा, फिर लगेगा कैसा, आंखें तो ऊपर से बंद रहनी है। तो भाई इस चक्कर में ना पड़ो, कैसा भी लगे, कौन सा तेरा विवाह होने जा रहा है, तो आदमी पता नहीं कैसा कैसा मन ख्याल देता रहता है। तो आप परमार्थ की तरफ आइए, सच्चे रहबर दाता ने जो राह दिखाया उस पर चलना सीखो, खूनदान किया करो। इसे कईयों की बीमारियां कट गई, डॉक्टर हैरान है, वो कहते गुरुजी हमने ये तो ठीक है, खूनदान करना अच्छी बात है, लेकिन बीमारियां कट जाएंगी। हमने कहा ये सतगुरु का दरबार है, यहाँ पे हुक्म मान के जो करता है खूनदान, मालिक उसकी बीमारियां खत्म कर देता है। ऐसा होते देखा है, जो डॉक्टरों के दिमाग से परे की बात है कि ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। हमने कहा आप मत सोचा करो, सोचने वाला सतगुरु है। तो भाई खूनदान भी करना चाहिए, वो भी 2-3 महीने जो भी डॉक्टरों का असूल है, उसके बाद असूल तो असूल है, उनके अनुसार चलना जरूरी है। तो भाई ये खूनदान करना, आंखें दान करना महादान है, इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं कोई शक नहीं, और भी लिया करें, घबराए ना करें, और आपसी प्यार मोहब्बत रखें बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, एक दूसरे से निस्वार्थ प्यार करें, मालिक का नाम जपें, तो यकीन मानो उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे।